सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर फ्रेंड ऋषभ, यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दी आर एस मोटो ब्लॉगर। तो आज है 29th ऑफ अक्टूबर एंड आज हम लोग चल रहे हैं डायरेक्टली टुवर्ड्स KTM शोरूम नदेसर वाराणसी एंड वहां पे है आज हमारी RC 200, जो RC सीरीज की नई फ्लीट आई है RC 200, उसका आज लॉन्च है नदेसर पर। तो चल रहे अभी हम लोग वहाँ पर, तो थोड़ा बहुत लेट हो चुके हैं हम, तो जल्दी चलते हैं वहाँ पे एंड मिलते हैं आप लोग से डायरेक्ट लॉन्च इवेंट पर। आपने KTM की बाइक को हमेशा सराहा है, अपने स्नेह से हमें और KTM दोनों को अनुग्रहित किया है, जिसके लिए हम सदा आभारी हैं और आप हमारे KTM परिवार के सदस्य हैं, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे नए सदस्य बनने वाले हैं, हम उनका पुनः स्वागत करते हैं और इस स्वागत के बाद हम अपने निदेशक से आग्रह कर रहे हैं, गाड़ी का अनावरण हटा के, अनावरण को हटा के हमें इसका प्रथम दर्शन दें, जिससे कि हम इसके बारे में भी आपको कुछ बता सके। ठीक, ये प्रथम अनावरण आपके स्नेह को KTM परिवार के प्रति और बढ़ाएगा, हमें विश्वास है। और इस अनावरण के बाद इसका एक और कलर है, सर आपका परिचय पहले दे दें। ये हमारी फैमिली KTM फैमिली के मेंबर हैं, हमारे पुराने कस्टमर हैं और ये एक RC 200 और नया लेने की इच्छा रखे हैं और आज इसी कारण से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप दोनों लोग करिए और एक तालियों से स्वागत के साथ ये दो बेहतरीन प्यारे कलर में हमारे पास आशीष श्रृंखला की जनरेशन 2022 मॉडल आपके सामने है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से ये आपके मित्रों, आपके सभी परिचय वालों के पास इसका जो है संदेश जरूर जाना चाहिए और हमें विश्वास है कि आप लोग संदेश जरूर पहुंचाएंगे। सभी लोग फेसबुक इंस्टाग्राम आदि पे एक्टिव रहते हैं। सर इसके अनावरण के बाद हम आपको कुछ इसकी चीजें बताना चाहते हैं जो नया आपके लिए आया है 2022 मॉडल में, क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं हम एक सीरीज से आपको बताते चलते हैं। सर सबसे पहले इसके जो हैंडल बार है, हैंडल बार में आपके सुविधानुसार जो है आवश्यक परिष्करण चेंजेस किए गए हैं। अभी तक कुछ लोग आप लोग कहते थे थोड़ा हैंडल और एडजस्ट हो जाता, हमारे हिसाब से हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। 2022 मॉडल में ये उपलब्ध है कि आप अपने हैंडल को अपने सुविधानुसार सेट कर सकते हैं। इसके बाद सर इसकी लाइट को लेकर आप लोग हमेशा कहते थे कि अगर LED लाइट मिल जाती, जैसा कि जो 390 में है, जो 250 में है, अगर ऐसी लाइट मिल जाती तो एक और ये कमी पूरी हो जाती है। जी हाँ, KTM परिवार ने ये कमी भी पूरी कर दिया है और LED हेडलैम्प पहले से ज्यादा आकर्षक बनाते हुए, पहले से ज्यादा चेंज करते हुए उसको बनाया है। आपको मिरर को लेकर भी आप लोगों का रहता था, बहुत स्टाइलिश मिरर दिया हुआ है और फोल्डेबल दिया है, पहले का मिरर फोल्डेबल इतना नहीं होता था, लेकिन ये फोल्डेबल दिया है, अपने सुविधा अनुसार आप फोल्ड कर सकते हैं। आकर्षक DRL दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जो रात की रोशनी में और चमकदार बनेगा। इसके अलावा इसके LED लाइट्स को भी बहुत पहले से ज्यादा आकर्षक और सुविधाजनक बनाया गया है कि जो दूर से ही दर्शनीय रहे। सर इसके बाद इसके पहिए की साइज को पहले से बड़ा किया गया है, बड़ा ही नहीं किया गया है, इसकी मजबूती का भी ध्यान रखा गया है। पहले के कूलिंग सिस्टम और अब के कूलिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा बदलाव किया गया है। ये बदलाव गाड़ी चलाते समय जरूर महसूस करेंगे, उसका कारण ये भी इसका रेडिएटर जो दिया गया है ये कर्व शेप में दिया गया है। इससे दो फायदे हैं, एक तो हमारा इंजन का पूरा हिस्सा जो थोड़ा बहुत बच जाता था पहले के रेडिएटर डिजाइन में वो भी कूल होगा, और दूसरा जो रेडिएटर हीट रहता था हमारे पैरों की तरफ कुछ आता था, उसकी डिजाइन ऐसी की गई है तो वो हीट बाहर की तरफ निकल जाएगा, आपको गर्म का जरा सा भी एहसास नहीं होगा। इस हीटर में आप पहले की तरह
अब जो है और ज्यादा सूचनाएं प्राप्त करेंगे। कुल 64 प्रकार की सूचनाएं इसमें आपको मिलेंगी। गाड़ी में होने वाले किसी भी बदलाव, किसी भी जानकारी के लिए सारा आपको ये बताएगा मीटर। आप मीटर से ही सारी समस्याओं को भी देख सकेंगे। अगर कोई आती है और आप किस स्पीड में चल रहे हैं, क्या उस समय एवरेज आपको मिल रहा है, ओवरऑल एवरेज कितना मिल रहा है, गाड़ी हीट कितना कर रही है, कूलिंग कितना कर रही है, पेट्रोल की स्थिति क्या है, आदि जानकारियों का इस मीटर में समावेश किया गया है। मीटर के बाद सर हमारा सबसे पहला ध्यान जाता है कि हम अपनी अच्छी पसंद की गाड़ी को कितना लंबा दूर ले जा सकते हैं। पहले की जो गाड़ी आरसी 200 थी उसमें टैंक कैपेसिटी जो है 9.5 लीटर की हुआ करती थी, और इस आरसी 200 में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए इस समय 13.7 लगभग 14 लीटर का बदलाव आया पहले की अपेक्षा। इसका फायदा आपको सीधे मिलेगा कि आप लंबी दूरी को बिना रुके तय कर सकेंगे। टैंक के बाद सर सीट का नंबर आता है। सीट पहले भी आरामदायक था, अभी भी आरामदायक है। थोड़ा सा बदलाव हमारा जो पिनियन साथी चालक रहता था, जो हमारे साथ सह यात्रा करता था, उसके हिसाब से और बहुत ज्यादा बढ़िया किया गया है। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए जरूरी होती है, तो इसमें पहले से सीट को चौड़ाई को बढ़ाया, इसके एरिया को बढ़ाया, और पकड़ने के लिए आपकी सेफ्टी के लिए जब आप राइडिंग कंडीशन में किसी भी स्थिति में चल रहे हो तो उस समय दोनों तरफ ग्रिपिंग, जिसका ये अभाव था पहले वाले KTM RC में, यह अभाव था। हम चाहेंगे सर कि एक जरूर आपके तरफ से ताली बजे कि इन चीजों के साथ और हमें विश्वास है कि आपका स्नेह हमें अवश्य मिलेगा। सर तो सही बताएं, बाइक हमको एक्चुअल में अच्छी लगी, लुक एंड डिज़ाइन वाइज अच्छी लगी पहले से, लेकिन ये चीज़ है आगे वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा था, बट कंपनी कह रही है दैट पहले से ज़्यादा एरोडायनामिक है, पहले से ज़्यादा टॉप स्पीड गेन करेगी, तो वो बात सही है। एंड 4 kg लाइटर है बाइक, तो सही है ओवरऑल लुक। और मॉडिफिकेशन वीडियो R15M की हमारे मजनू की तो वो आएगी, बट ये टॉपिक कवर करना ज़रूरी था बिकॉज लॉन्च था, तो बस अब अगली वीडियो से मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी हमारे मजनू की। सो टिल देन थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। होप टू सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियोस, आने वाली वीडियोस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।